नमस्कार, भारत में देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, लगातार हमने आपको बिहार की राजनीति की हर ऊंच नीच बताई है। हमने आपको बताया है कि बिहार के बाहर के चुनावों को लेकर भी बिहार की पार्टियां क्यों बहुत ज्यादा इच्छुक रहती हैं। देखिए, इसका बड़ा कारण है बिहार में भाजपा का अपनी ताकत को बढ़ाना। भाजपा बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। इसकी वजह से छत्रपों में बेचैनी बढ़ गई है, खासतौर पर राजद, नीतीश कुमार जैसी पार्टियां जिन्होंने बिहार में एक छत्र राज किया है, वो चाहती नहीं है कि इतनी आसानी से भाजपा को बिहार में जो फर्स्ट हैंड दे दे। अगर दे देते हैं तो फिर नीतीश कुमार को और राजद को काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति देखिए, भाजपा की सीटें बढ़ी हैं तो उनकी घट गई हैं। पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ सभी जानते हैं। चिराग पासवान से नीतीश कुमार बदला क्यों ले रहे हैं ये भी सभी जानते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, जहां तरफ भाजपा बिहार में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, वहीं बिहार के अलावा कई राज्यों में भाजपा सिमटती जा रही है। बड़े जितने भी राज्य हैं, चाहे मेट्रोज हो, आपको पता है कि भाजपा वहां कमजोर होते हुए खिसकते हुए अब ऐसी स्थिति हो गई कि ना दिल्ली, ना मुंबई और ना कलकत्ता, इन तीनों जगहों पर भाजपा नहीं है। और भाजपा आने की आने वाले समय में सोच भी नहीं सकती है। मजबूत कहा जा सकता है विकल्प मिल चुका है वहां पर जनता को। ऐसी स्थिति में भाजपा से एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र छीनने की तैयारी चल रही है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों को लेकर एक बड़ी गोलबंदी हो रही है। भाजपा यहां तक इतना बौखला गई है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे का विकल्प भी खोजना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बहुत उठापटक हुआ है भाजपा के अंदर। लगातार एक वक्त की योगी की कुर्सी हिलेगी तो मोदी की कुर्सी भी हिलेगी। लेकिन इन सारे दावपेचों के इधर बिहार में एनडीए गठबंधन के एक बड़े सहयोगी ने भी कहीं ना कहीं यह खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में अपनी धमक अपने दम पर लेकर आएगी। और सोच रहे होंगे जदयू करेगी तो जदयू नहीं करने वाली है, जदयू करेगी जो बाद में करेगी। बिहार सरकार के सबसे नई पार्टी, बिहार सरकार में एनडीए के सहयोगी की सबसे नई पार्टी, जिस पार्टी को लगातार हम देख रहे थे कि कैसे वो काम कर रही थी पर्दे के पीछे, वो पार्टी अब पर्दे के सामने आ गई है और उसने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दिया है कि वो यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। यानी ऐसी स्थिति में आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि वीआईपी पार्टी जो कि बलाहो और एक बड़ा समाज है, मुनिया, बिलदार, इस समाज का रिप्रेजेंटेशन बिहार में कर रही है, वो यूपी में अखाड़े में उतरने वाली है और वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। 25 जुलाई को फूलन देवी का जो कह सकता है एक बड़ा आयोजन है, जिस आयोजन के माध्यम से निषादों की ये पार्टी बिहार से उठकर यूपी में जाएगी। लेकिन उससे पहले 2 जुलाई को ऑफिशियल लॉन्चिंग, यानी 2018 में जिस तरीके से मुकेश सैनी ने बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च की थी रातों रात, और 3 ही सालों में आप देख सकते हैं ये पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, कैसे इस पार्टी को 2019 में महागठबंधन में रहने के दौरान बहुत कुछ नहीं मिला, फिर भी सीटें जो है वो अपने पाले में उन्होंने किया था महागठबंधन से लड़कर। फिर आपने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुकेश सैनी को उनके मन माफिक सीटें नहीं दी गई तो उन्होंने साफ तौर पर वॉकआउट करके अपना संदेश दे दिया था कि वो बिहार की राजनीति में नो नॉनसेंस पॉलिटिक्स करने आए हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो नहीं मानेंगे। ऐसी ही कहीं ना कहीं स्थिति उन्होंने आरक्षण को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बनाई हुई है। आरक्षण को लेकर मुनिया समाज, बलदार समाज, बिल समाज, जो खास तौर पे इस पचपनिया प्रजाति से आता है, वो उनको आरक्षण मिले, इसको लेकर मुकेश सैनी एडमेंट है। अब आरक्षण की ये लड़ाई लेकर वो जा रहे हैं यूपी तक। धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और जिस तरीके से बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करके आज इस कद्दर पहुंचा चुके हैं कि आज बिहार सरकार में वो मंत्री हैं और ऊंच नीच जो बिहार सरकार की है वो उनसे पूछकर ही की जाती है। यहां तक कि लॉकडाउन को लेकर भी उनका आपको याद होगा मंतव्य, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, नीतीश कुमार पर दबाव भी बनाया था कि लॉकडाउन लगा दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी मुलाकात आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी, उससे पहले उनकी मुलाकात मांझी जी से हुई थी। इन सारी कवायदों की वजह से यह समझ में आता है कि बिहार क्रांति में वीआईपी है। और अब जब 2 जुलाई को वो यूपी में जाकर एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भाजपा को ओपन चैलेंज है। भाजपा को यह एहसास भी कराना है कि वक्त रहते अगर भाजपा इनके साथ गठबंधन कर लेती है या इनसे बातचीत कर लेती है सीटों को लेकर तो ठीक, वरना भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है अपने ही बिहार के सहयोगी से। अब देखिए, इससे पहले भी कई बार जदयू ने, कई अन्य पार्टियों ने भाजपा के साथ जो रहने वाली उनको नुकसान अलग राज्यों में पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक जदयू ऐसा कुछ कर नहीं पाई है। लेकिन मुकेश सहनी क्यों कर पाएंगे, क्योंकि यूपी में 14% के आसपास जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर इस समाज का है
और वहां पर पहले से भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस समाज की तरफ से आती हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में आपको याद होगा यूपी से जत्था उठ कर आया था मलाहों का, और वहां के कई संगठनकर्ता आकर अपना जो पूरा राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो मुकेश सहनी को जाहिर करते हुए उनकी पार्टी में मिल गए थे। ऐसी स्थिति में आप कुछ समझ लेंगे कि अब क्या होगा। ऐसी स्थिति में यूपी में 2 जुलाई को मुकेश सहनी का शक्ति प्रदर्शन भाजपा के लिए अलार्म है, घंटी है। अब भाजपा इसे सुन पाती है कि नहीं पाती है, और इसे योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा नुकसान होता है यह उन्हें तय करना है। फिलहाल मुकेश सहनी ने अपने राजनीतिक दांव चल दी है। भारत लाइव पर इसी तरह से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर बेल आइकन दबा दीजिएगा तो दिन भर हमसे आपकी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।